हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अक्षय सिन्हा, टीचर इन गोसनर इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज हम लोग बात करेंगे नाइन्थ क्लास से रिलेटेड टॉपिक मोशन पे, और इस पे हम लोग बात करेंगे व्हाट इज मोशन, व्हाट इज रेस्ट, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और चलिए शुरुआत करते हैं, और हम लोग यूज करेंगे ये टॉय कार। तो सबसे पहले एक रेफरेंस पॉइंट होता है। रेफरेंस पॉइंट मतलब जहाँ से ऑब्जर्वेशन हो रहा है। सपोज़ मान लिए ये अपना रेफरेंस पॉइंट है, ये ऑब्जर्वेशन यहाँ से हो रहा है, तो मोशन में ये कार मोशन में तब कहलाएगा जब ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अपना पोजीशन चेंज करे। एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ से ऑब्जर्वेशन हो रहा है, इसीलिए हम लोग को पता है कि वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। नहीं तो कार में बैठा हुआ आदमी ये भी बोल सकता है कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके लिए तो दोनों मोशन में है, जो ऑब्जर्वर है वो भी मोशन में है और कार भी मोशन में है। तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन हो रहा है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। अपना पोजीशन पहले यहाँ था, अब यहाँ है, तो ये मोशन में ऐसे डिफाइंड होगा। अब सेकेंड क्या है कि व्हाट इज रेस्ट। तो एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन रेस्ट इफ इट डजंट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में तब कहलाएगा जब किसी रेफरेंस पॉइंट से, रेफरेंस पॉइंट का डेफिनेशन में कोई जिक्र होता नहीं है, तो जब किसी ऑब्जेक्ट का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पोजीशन चेंज ना हो तो वो रेस्ट में कहलाएगा। अब आता है यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अगर मान लीजिए यहाँ से इस टेबल के इस एंड से यहाँ तक का 1 किलोमीटर डिस्टेंस है, अगला ये है 2 किलोमीटर, और ये लास्ट ये है 3 किलोमीटर। तो अगर ये ऑब्जेक्ट या फिर ये कार इस रिफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर ये मूव कर रहा है, और ये 1 किलोमीटर ट्रेवल करने में अगर मान लिए 20 मिनट, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 5 मिनट ले रहा है, तो अगर ये कार 1 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है 5 मिनट में, अगला 1 किलोमीटर मतलब 1 to 2 किलोमीटर, ये 0 to 1 किलोमीटर जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से 1 किलोमीटर ये 5 मिनट में चल रहा है, और अगला जो 1 किलोमीटर है वो भी अगर ये 5 मिनट में चलने लग जाए, और इसके बाद भी ये 5 मिनट एंड देन इसके बाद भी ये अगर ये 5 मिनट में अगला 1 किलोमीटर चले, तो ये कहलाता है यूनिफॉर्म। देन कार इज सेट टू बी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और ये दिखेगा कैसा कि आप एक कार को एकदम यूनिफॉर्मली स्पीड अपना चेंज नहीं कर रहा है, और ये इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल कर रहा है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट या फिर व्हेन एनी मूविंग ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज सेट टू बी, देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज सेट टू बी यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि अगर मान लिए इसको दो टाइप से डिफाइन कर सकते हो आप। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा। मतलब मान लिए कि 1 किलोमीटर वो ट्रेवल कर रहा है, पहला 1 किलोमीटर 3 मिनट में, अगला दूसरा 1 किलोमीटर वो 4 मिनट में ट्रेवल कर रहा है, और अपना स्पीड घटाने के बाद ये अगला जो 1 किलोमीटर है वो 5 मिनट में ट्रेवल करने लगा, तो इसका जो मोशन होगा वो 3 मिनट में जब ट्रेवल किया होगा तो स्पीड चला होगा, 4 मिनट में थोड़ा धीरे धीरे, और 5 मिनट में धीरे धीरे धीरे, क्योंकि ये टाइम ज़्यादा ले रहा है। तो ऐसा मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। मतलब इसमें आप स्पीड चेंज करेंगे, बार बार ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज होगा विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, तो ये अपना स्पीड कभी चेंज करेगा, कभी ज़्यादा बढ़ाएगा, कभी कम बढ़ाएगा, ठीक है। तो ऐसा मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। अब देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है। कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है, कब बोलेंगे कि कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है, तो इस पे क्या होता है कि अगर कोई बॉडी अपना स्पीड चेंज करे, इनिशियली एक्सेलरेशन का हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वी माइनस यू बाय टी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो
ऐसे एक्चुअल में तो t2 - t1 होता है, लेकिन t ले लिए पूरा टाइम इंटरवल। तो एक्सेलरेट कोई बॉडी कब हो रहा है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट शुरुआत में मूव करते हुए इसका वेलोसिटी u था, मान लिए इसका इनिशियल वेलोसिटी u था, वो कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। शुरुआत का वेलोसिटी अगर जीरो है तो ये जीरो वेलोसिटी से शुरुआत किया और एक टाइम इंटरवल में, मतलब मान लिए 5 मिनट के बाद अपना वेलोसिटी चेंज कर दिया और ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लगा, तो ये एक्सेलरेट कर रहा है। तब कहेंगे कि ये एक्सेलरेट कर रहा है, क्यों? क्योंकि इनिशियली इसका वेलोसिटी था जीरो और फाइनली ये चलने लगा 5 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से, और उसको वैसा वो स्पीड गेन करने में 5 मिनट का समय लगा। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी, वी इक्वल्स टू अपना 5 है, 5 - 0/5, मतलब एक्सेलरेशन कर रहा है ये 1 m/s² से। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट m/s² होता है। अब इसी से आप रिलेट कर सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को। हम लोग जानते हैं यूनिफॉर्म मोशन मतलब अगर कोई बॉडी ट्रेवल कर रहा है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कोई बॉडी ट्रेवल करे सेम स्पीड से, तो वो कहलाता है यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करे और इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम सर्कुलर पाथ में मूव करे, तो वो कहलाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। या फिर ऐसे डिफाइन कर सकते हैं व्हेन अ बॉडी मूविंग यूनिफॉर्मली इन अ सर्कुलर पाथ, या फिर व्हेन बॉडी डजंट चेंज इट्स स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आगे बात करते हैं व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर मान लिए ये कार अपना इनिशियल पोजिशन इसका यहाँ पे है और ये कार मूव कर रहा है और इसके बाद एक ये अपना टर्न लिया और यहाँ तक मूव करने लगा, अगर ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का और वहाँ जाके वो स्टेबल हो गया, मान लिए वहाँ खड़ा हो गया, यहाँ तक का डिस्टेंस अगर मान लिए हम ये 5 किलोमीटर है और इसके आगे का ये वाला डिस्टेंस अगर यहाँ तक है मान लीजिए, तो ये अगर ये 3 किलोमीटर है, तो इसका जो डिस्टेंस होने वाला है वो होने वाला है, डिस्टेंस का डेफिनेशन ही होता है द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एनी मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो कितना पाथ कवर किया, 5 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर, विच इज इक्वल्स टू 8 किलोमीटर डिस्टेंस। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट का बात किया जाए तो डिस्प्लेसमेंट अगर अलग होगा, डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन हम लोग जानते हैं, ये इनिशियली वहाँ से मूव करना शुरू हुआ था और उसके बाद फाइनली वहाँ पहुँचा, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर निकालें इसके लिए तो पाइथागोरस यूज करेंगे और पाइथागोरस में हाइपोटेनस फाइंड करेंगे, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड होगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बस इतना ही फर्क है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। जीरो कैसे डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर मान लिए यही कार ट्रैवल किया यहाँ तक एक टर्न और उसके बाद फिर से यहाँ के बाद ये टर्न लेके उसी पोजीशन पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन, तो इसका इनिशियल पोजिशन भी यही था और फाइनल पोजिशन भी यही था, तो यही है मतलब। तो ये इसका डिस्टेंस फाइव और थ्री का जब आप हाइपोटेनस निकालिएगा तो ये होने वाला है 5 5 25 25 + 9 34 √34, तो ये बनने वाला है √34। तो √34 किलोमीटर यहाँ से जब आप चलिएगा तो ये होने वाला है 5 9 √34, तो जब इसको जब ऐड कीजिएगा तो ये होगा इसका एक्चुअल डिस्टेंस, बट डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो फॉर दिस केस। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।